होलिस्टिक हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म है लेकिन डॉक्टर शास के नाम से है, तो मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे उस तरह चीज़ें थी नहीं, और हम लोगों ने सबसे पहले वर्कशॉप्स अवेयरनेस के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 ऑनलाइन वेरी सक्सेसफुल वर्कशॉप्स किए हैं डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेकर। फ़र्क सिर्फ हमारे तरीका इलाज में और एक जैसे नॉर्मल डॉक्टर के तरीका इलाज में ये होता है। अच्छा, बेसिकली जस्ट टू लेट मी यू नो करेक्ट, जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन है ना, इट्स ब्रांच ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एलोपैथिक मेडिसिन की ब्रांच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो CEO हैं डॉक्टर शास प्राइवेट लिमिटेड की। बुनियादी तौर पे तो इन्होंने MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा, जो कि एक मुख्तलिफ डोमेन है जिस पर अभी पाकिस्तान में शायद उस तरह से काम नहीं हो रहा लेकिन बाहर के ममालिक में इस पर काफ़ी काम हो चुका है, होलिस्टिक हेल्थ केयर की फील्ड, उसमें इन्होंने आके अपना काम शुरू किया। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके पास ये आइडिया कब और कैसे आया और इस विजन पे फिर इन्होंने कैसे काम किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहबानो सलमान आदिल साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो है डॉक्टर शाह का ये क्लिनिक है, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि इसमें जो है चार चीज़ों पर ये लोग काम करें, प्रोडक्ट्स पे, वर्कशॉप्स पे, कंसल्टेशन पे और माइंडफुलनेस पे, माइंडफुल पेरेंट्स क्लब पे जो है ना वो ये काम करें। तो मैम, इसको बनाने का विजन, ये एक चूँकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसको बनाने का विजन आपके जहन में कैसे आया? सर, ये एक लंबी स्टोरी है। एक्चुअली मैं जैसे नॉर्मल हर कोई डॉक्टर अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद अब्रॉड जाने का सोचता है, मैं भी प्लैब कर रही थी, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही थी, बीच में एक गैप था, तो मैंने इंडस हॉस्पिटल के अंदर पीडियाट्रिक्स के अंदर एमओशिप स्टार्ट कर ली डॉक्टर जवेरिया के अंडर। उसी दौरान के अंदर आई हैड अ मिसकैरेज, और वहाँ पे एक ब्रेक जैसे आ जाता है बंदे को, और एक बंदा जैसे डिप्रेशन के फेस में भी चला जाता है आफ्टर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वो एक फ्री फेस था मेरे पास, और उसके अंदर अचानक मेरे साथ ये बहुत सारी चीज़ें जैसे अचानक अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ना डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ वो होलिस्टिक हेल्थ केयर पर काम कर रही हैं, तो तुम उनसे कॉन्टैक्ट करो। मुझे खुदा गवाह, मुझे खुद को नहीं पता था 2-3 साल पहले कि ये क्या होती है होलिस्टिक हेल्थ केयर। मैंने उनसे रब्ता किया और उन्हीं दौरान कोरोना भी आया हुआ था, तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि अमेरिका की डिग्री वो पाकिस्तान में ऑनलाइन हो रही थी, अदरवाइज़ यू हैड टू गो टू अमेरिका। तो मैंने उन डॉक्टर शगुफ्ता के वजह से मैंने अमेरिका की ये इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की जो है वो उसमें मैंने परसू किया, मैंने वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशन ली, उन चीज़ों को पढ़ा, एविडेंस बेस्ड चीज़ें देखी, किस तरह से वो बीमारियाँ जिनके लिए हम हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, वो रिपोर्ट्स देखी जिनके अंदर कहा गया था कि 2000 के बाद, ईयर 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाइक हमारे और आपके बच्चे वो उसकी एज ग्रुप में आते हैं, तो खुदा न खास्ता वो बच्चे अपने माँ बाप से पहले फौत होंगे, अल्लाह ना करे, बिकॉज उनके अंदर इतने फ्री रेडिकल्स आ गए हैं, उनका पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है। इसके ऊपर काम मैंने देखा, एविडेंस पढ़ी, तो आई थॉट कि हमें करना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ सोचूंगी कि ये होनी चाहिए, तो आई थॉट इसको एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, उसका सोल्यूशन लेके आना चाहिए। फिर मैंने इस चीज़ें सोची, फिर हेल्प आई फैमिली की भी साथ, एंड फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया। मैम, आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी तौर पर होलिस्टिक हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म है लेकिन डॉक्टर शास के नाम से है, तो मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है और क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? सर, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, लोगों को पता नहीं है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है, लोगों को पता नहीं है कि होलिस्टिक हेल्थ और बच्चों के हवाले से खासतौर पर स्पेशली, क्योंकि बाहर भी बड़ों के हवाले से बहुत कुछ हुआ है, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज बहुत कर रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर शाह को अगर मैंने 2 लफ्ज़ों में समझाना हो ना क्या है, तो ये मैंने अपने बेटे हैदर और गाजी को जहन में रख के एक चीज़ बनाई है और उसको मैं एक चीज़ को बड़ा कर रही हूँ। तो वो बच्चों के लिए यहाँ पे उस तरह चीज़ें थी नहीं, और हम लोगों ने सबसे पहले वर्कशॉप्स अवेयरनेस के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 ऑनलाइन वेरी सक्सेसफुल वर्कशॉप्स किए हैं डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेके। उसके अलावा हमने न्यूट्रीकॉर्ड अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया, इससे पहले हमने तमार एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, देन हम अपना एक हेल्थ लॉग बुक लॉन्च कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे हैं।
फिर मेरी अपनी कंसल्टेशन होती हैं ऑनलाइन. तो ये 4 डोमेन्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. कम्युनिटी भी बना रहे हैं, जो माइंडफुल पेरेंट्स क्लब है उसमें हम अपनी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं. मैम ये जो न्यूट्रीकॉट बटर है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये किस तरह से बनाया गया है. ऑफकोर्स. अच्छा, मेरी हाफ ऑफ माई फैमिली इज फ्रॉम स्कर्दू, तो वहाँ पे हम बचपन से जो है मेरी अम्मी लोग भी ये गिरियाँ जो खुबानी के अंदर एक गिरी होती है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. वो बहुत शौक से खाया करते थे, मुझे खुद भी बहुत पसंद थी. सही. और इसके नॉन जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी की, काफ़ी देखा, एंड फिर आई फाउंड आउट कि हर किस्म का बटर है हमारे पास, पीनट बटर, पिस्टैशियो बटर, ये बटर, वो बटर, लेकिन इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया. तो ये मुझे एक अच्छा लगा था, एंड प्लस एक अपनी भी बंदे की इंटरेस्ट भी होता है. तो मैंने इसको फिर दुबई से हमने मशीनरी वगैरह मंगाई, अपना प्रॉपर जो है इंस्टॉलेशन वगैरह की, एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद इट. अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी जो है वो सेल्स जा रही हैं. मैम इस प्रोडक्ट के अलावा और 2-3 कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप अभी काम कर रही हैं? सर इससे पहले हमने एक नेचुरल टॉफी तमार के नाम से वो स्टार्ट की थी. अब जो हम रिसेंटली जिस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस होकर काम कर रहे हैं वो है हेल्थ लॉग बुक. अब मैंने बहुत सारे ना स्कूल्स के विज़िट किया था, एंड छोटे छोटे बच्चे जैसे ग्रेड 2-3 के बच्चे, उनका था कि हमने उनको फॉर्म्स वगैरह दिए, परफॉर्मर्स. छोटे छोटे बच्चे लोनली हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं. मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि उस एज के बच्चे ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो हम और आप शायद अपने 30s और 40s में जाके देख रहे हैं वो बच्चे उसी एज में देख रहे हैं. तो उसके लिए एक प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए, गाइड बुक होनी चाहिए, लॉग बुक होनी चाहिए, जिसमें पेरेंट्स भी बच्चे भी जो हैं वो लिखें चीज़ें, जैसे जर्नलिंग होती है. तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह 1-2 महीने तक हम उसको लॉन्च करेंगे. मैम आप ऑनलाइन इसको सेल कर रही हैं, तो किस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना काम सारा कर रही हैं? सर जब जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी, बहुत करम रहा है साथ, जब मैंने अपनी वर्कशॉप्स लॉन्च की थी ना इंस्टाग्राम पेज, जब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, तो अचानक मेरे जहन में नाम आया एक इन्फ्लुएंसर का. उनका मैं ईद वाले दिन, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए ईद हर चीज़ दिमाग उसका चलता रहता है. बिल्कुल ऐसे. तो एक अचानक मेरे जहन में नाम आया टाइट देसी मॉम एनी अजहर का. तो उनको मैंने वैसे मैसेज किया ना कि आप मतलब ये देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें प्रमोट कर दें. उन्होंने प्रमोट किया, और बाद में जब पेमेंट वगैरह की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जो हैं ऐसा काम कर रही हैं जो दिल को छूने वाला है, तो मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगी. और एक उनकी जो एफर्ट से हज़ारों में हमारे जो एकदम फॉलोअर्स गए. तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बहुत बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डॉक्टर शाज के हमारा वो है, डॉक्टर शाज हेयर टू हील के नाम से हमारे इंस्टाग्राम पे है. फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स ने हेल्प किया, फिर नेटवर्किंग के थ्रू जो है हम लोग मिले लोगों को. सेल भी सारी इंस्टाग्राम से ही आप कांटेक्ट. हमारी सेल जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मेनली है. उसके अलावा हम मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, जैसे मुल्तान में हैं, हम जेहलम में हैं, हम इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, लाहौर में. तो हम वाइड स्प्रेड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमारी शॉप्स के ऊपर भी हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. ठीक है. अच्छा मैम आपने जैसे बताया कि आप हेल्थ केयर की वर्कशॉप्स भी करवाती हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा बताइए कि कंसल्टेंसी में और वर्कशॉप्स में इन दोनों में आप खुद से ज़्यादा क्या काम कर रही हैं? कंसल्टेशंस में ये होता है कि कंसल्टेशंस में तो इट्स 1-on-1 जैसे डॉक्टर के साथ आप होते हैं. फ़र्क सिर्फ हमारे तरीका इलाज में और एक जैसे नॉर्मल डॉक्टर के तरीका इलाज में ये होता है. अच्छा बेसिकली जस्ट टू लेट मी यू नो करेक्ट, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ना इट्स अ ब्रांच ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एलोपैथिक मेडिसिन की ब्रांच है. तो लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी यू नो ऑल्टरेशन कह लें, थोड़ा सा इसमें यू नो एक बेटर सोलफुल टच देने के लिए ना हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं अपने पेशेंट के साथ. आप नॉर्मल क्लिनिक में जाएंगे 5 मिनट्स में बाहर, हम एक पेशेंट की प्री मतलब उसके जब वो एक पैदा भी नहीं हुआ था प्री कंसेप्शन से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. उसके बाद फिर हमारे मल्टीपल सेशंस होते हैं, एक लंबी कंसल्टेशन हमारी वो होती है, एंड वो मैं ऑनलाइन लेती हूँ. ठीक है. उसके अलावा जो हमारी वर्कशॉप्स हैं उसमें हम लोग डिफरेंट यू नो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं. मैं खुद भी वर्कशॉप्स करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि और लोग भी आएँ, अपना नॉलेज शेयर करें. तो वो लोग आते हैं, ऑनलाइन हमारी वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट एज से, कभी हिजामा के बारे में सुनना, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोफेटिक पेरेंटिंग के बारे में, उसके अलावा जो है ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों पे हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स एक्सपर्ट से करवाते हैं. ठीक है. अच्छा मैम फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, इस चीज़ को आप किस तरह और आगे लेके जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पाइपलाइन में हैं? फ्यूचर में तो अल्लाह ताला जैसे बेहतर करे इंशाल्लाह, लेकिन गोल्स तो बहुत बड़े हैं. यू नो जब मैंने
स्टार्ट किया था एंड बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं बैकलैश आता है, अच्छा तुम ये कर रही हो, MBA कर लेना था, ये डॉक्टरों के करने वाले काम ही नहीं है, या यू नो डाउन डिग्रेड किया जाता है कि ये क्या अलग अलग चीज़ हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से रिस्पॉन्स है, तो एक तो प्रोडक्ट्स को मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहूँगी, वन। उसके अलावा जो है इसकी अवेयरनेस मेनली कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक तबका जो अफोर्ड कर सकता हो वही करे। 12% ऑफ ऑल आर प्रॉफिट गोज टू सैयद फकीरुल्लाह शाह वेलफेयर फाउंडेशन, उसके तहत हम फ्री कैंप्स भी लगाते हैं। अच्छा। तो हम उन एरियाज़ के अंदर भी जो है वो जाना चाहेंगे, उन लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहेंगे, ऑनलाइन भी अवेयरनेस देना चाहेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को, लाइफस्टाइल मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को, होलिस्टिक हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को, स्पेशली बच्चों के लिए जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी उसको बढ़ाना चाहेंगे। मैम मैं चाहूँगा कि आम लोगों के लिए अगर आप एक दो लाइन में होलिस्टिक हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें तो कैसे करें? आम एक इंसान के लिए होलिस्टिक आता है होल से, ठीक है, कंप्लीट। आपके फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता किडनी में मसला है, तो सिर्फ किडनी में मसला नहीं है, ठीक है, आपके ब्लड में भी मसला है, वो आपकी किडनी और आपके दिमाग का जो रابطہ है उसमें भी मसला है। तो हम सिर्फ एक आज़ाए जिस्म को लेके नहीं चलते, हम पूरे होली लेके चलते हैं, एंड नॉट जस्ट द बॉडी फिजिकल, हम माइंड को लेके चलते हैं साथ, हम सोल को लेके चलते हैं साथ, और वो पूरा एज अ होल एज एन इंडिविजुअल को देखते हैं, ना सिर्फ कि एक पर्टिकुलर किसी आज़ा को। सही। मैम कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर फर्स्टली तो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू एवर, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हुआ है जिसको आई लुक अप टू, और उनकी किताबें भी मैंने पेरेंटिंग के हवाले से पढ़ी हैं, और आई एम रियली थैंकफुल मिरहा का जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया कासिम अली शाह साहब से। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एंड द फैक्ट के हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, हम जैसे लोगों को वो बेलॉस होके आप लेके आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम हमारे से बात कर रहे हैं, सो ये भी एक सदका जारिया है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको और आप सबको जो है इसकी बहुत जजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहबानो साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनके काम और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे।